नमस्कार, मध्याह्न खबरको स्वागत गर्छु, म स्वागतिका। सम्पूर्ण खबर सुनिबा पूर्वरु प्रथमे सन्त सुनिनेबा आजर मुख्य खबर। आशाकर्मीको पाई मुख्यमन्त्रीको घोषणा, आशाकर्मीको सहायता राशि 20,000 वृद्धि। ओआरएचडीसी दुर्नीति मामला, भिजिलान्स निकटरे आत्मसमर्पण कले आईएएस विनोद कुमार। राउरकेलारे लज्जा नाबालिकाको गण दुष्कर्म, 3 अटक। श्रीमन्दिर संस्कार नै आज श्रीमन्दिर कार्यालयले जनशुनानी प्रक्रिया आरम्भ, विभिन्न बुद्धिजीवी उपस्थित। मालकानगिरि सीमारे पुणि लालबाहिनीकर लंकाकाण्ड, जाळिदेले 5 ट्रक। एथरासबा सम्पूर्ण खबरको। आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आशाकर्मी सहायता राशि घोषणा करिछन्ति। साइकिल, छता, चप्पल, आलमीरा और टर्च बाबदरे सेमानको अधिक 10,000 टंकार सहायता राशि प्रदान करिबाकु मुख्यमंत्री घोषणा करिछन्ति। अव्याहति सहायता राशि मध्यम वृद्धि करिछन्ति। पूर्वरु आशाकर्मी अव्याहति सहायता राशि 10,000 टंका थिबा बेले एहाकु 20,000 को वृद्धि करा जायछि। 10 वर्ष कार्यरु स्वेच्छाकृत भावे अवसर नेले 20,000 टंका मिलिबो। एहाद्वारा राज्यर प्राय 47,000 आशाकर्मी उपकृत हेबे बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिछन्ति। बहुचर्चित ओआरएचडीसी रे अर्थ हेरफेर मामलें आईएएस विनोद कुमार आज भुवनेश्वर भिजिलान्स निकटरे आत्मसमर्पण करिछन्ति। एहापरे तांकु भिजिलान्स रो स्वतंत्र कोर्टरे हाजर करा जायछि। एहा सहित पूर्णचंद्र दास मध्य हाजर होइछन्ति। 2000 ओआरएचडीसी एमडी भावरे विनोद कुमार कार्य करथुवा बेले 55 लाख टंकार हेरफेर होइतिला। एही मामलें पूर्वरु 4 जण गिरफ होइतिबा बेले सेमानकु जेल होइतिला। मात्र परे सेमाने कोर्टरे आत्मसमर्पण करथुवा बेले 3 वर्ष कारादंडादेश सह 25,000 टंका लेखा जोरिमाना करा जायतिला। आईएएस विनोद कुमार को 4 तारीख सुधा हाजर हेबाकु हाईकोर्ट नोटिस जारी करथिले। मात्र से हाजर न हेबारु तांका विरोधरे जामिन विहीन गिरफ परवाना जारी करा जायतिला। तेबे विनोद आत्मसमर्पण करबाकु 10 तारीख पर्यंत समय नेथिले। एहा परे कोर्ट 10 तारीख सुधा हाजर हेबाकु निर्देश देथिले। परवर्ती खबर। इस्पात नगरी राउरकेलारे नाबालिकाको दुष्कर्म करा अभियोग होइछि। गतकाली घरको फेरुथुवा बेले निकटस्थ रताखण्डै जंगलरे गण बलात्कार करा अभियोग होइछि। बन्धमुण्डार नाबालिका जनक घरको फेरुथुवा समयरे कबीर खानको सहित किछि युवक तांको निकटस्थ जंगलरे बलात्कार करिथिले। 3 जणको अटक रखा बेले पीडितार डाक्तरी माइना पई डाक्तरखानाको पठा जायछि। अभियुक्तको नारे पोक्सो धारारे बिश्रा थानारे मामला रुजु होइछि। पुलिस सेमानकु पचराउचरा जारी रखिथिबा बेले प्राथमिक तदंत प्रक्रिया आरंभ करिछि। श्रीमंदिर संस्कार नै आज श्रीमंदिर कार्यालयरे जनशुनानी आरंभ होइछि। विभिन्न बुद्धिजीवी कार्यालयरे आसी पहुँचिछन्ति। पूर्वाह्न 11:00 अपराह्न 2:00 जाए एही जनशुनानी हेबार सूचना रहिछि। राज्य सरकारक द्वारा गठित होइथिबा 3 जणिया कमिटीर अतिरिक्त मुख्य सचिव सुरेन्द्र चंद्र महापात्र अध्यक्ष रहिथिबा बेले वरिष्ठ आईपीएस सौमेन्द्र प्रियदर्शी और श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सदस्य महिमन त्रिपाठी सदस्य रहिछन्ति। एही जनशुनानी रे विभिन्न व्यक्ति निजर मतामत को लिखित एवं मौखिक आकार रे रखिपारे। सेवायत प्रशासनिक अधिकारी समेत साधारण व्यक्ति विशेष संस्कार नहीं मत व्यक्त करिपारे। जनशुनानी परे विभिन्न मंदिर व्यवस्था को नहीं रिपोर्ट प्रस्तुत करा जिबो। आज जनशुनानी परे कोर्ट को निर्देश अनुसार 30 तारीख मध्य कमिटी राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रदान करे। यापर राज्य सरकार 5 सेप्टेम्बर में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखल करे। शेष खबर। मालकानगिरि सीमांत छत्तीसगढ़ में 2 दिन धरी बेस सक्रिय हो उठिछन्ति लालबाहिनी। गतकाली ठारु पोड़ाजला करी स्थानीय अंचल आतंक खेलाइथिबा लालबाहिनी पुणी से ही अंचल केतक ट्रक पोड़ी पकाइछन्ति। छत्तीसगढ़ दांतेवाड़ार बाइलडिहार माओवादी माने 5 ट्रक निआ लगाइ। गतकाली विलंबित राति 10-15 जण माओवादी आसी ट्रक आसोसिएसन सम्मुखें गाड़ीगुड़िक निआ लगे। तेज से ही स्थान में माओवादी माने पोस्टर मध्य छाड़ जाइछन्ति। पोस्टर में सुकमा एनकाउंटर को विरोध कर उल्लेख रही। खबर शेष करने पूर्व पुणि थे मुख्य खबर। आशाकर्मी मुख्यमंत्री घोषणा, आशाकर्मी सहायता राशि 20,000 वृद्धि। ओआरएचडीसी दुर्नीति मामला, भिजिलान्स निकटरे आत्मसमर्पण कले आईएएस विनोद कुमार। राउरकेलारे लज्जा नाबालिका को गण दुष्कर्म, 3 अटक। श्रीमंदिर संस्कार नहीं आज श्रीमंदिर कार्यालय जनशुनानी प्रक्रिया आरंभ, विभिन्न बुद्धिजीवी उपस्थित। एवं मालकानगिरि सीमारे पुणि लालबाहिनी लंकाकाण्ड, जाळिदेले 5 ट्रक। मध्याह्न खबर को एठी रखुचु। अधिक खबर पाई लॉगिन करंतु आम वेबसाइट www.radioodisha.com। नमस्कार।